मातृशक्ति की बैठक ली गई, जहां सनातन धर्म, संस्कृति और देशभक्ति के लिए प्रेरित कर महिलाओं को सशक्तिकरण करने की अपील की गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ प्रगति सिन्हा। विश्व मांगल्य सभा के प्राण संगठन मंत्री और पूर्व आईएएस सूरज डामोर द्वारा बड़वानी मातृशक्ति की बैठक ली गई, जहां हमारे देश के सनातन धर्म, संस्कृति और देशभक्ति के लिए प्रेरित कर महिलाओं का सशक्तिकरण किए ले जाने को लेकर अपील की गई। दरअसल भारत के सनातन धर्म, संस्कृति और देशभक्ति का अलग जगाने विश्व मांगल्य सभा द्वारा जन जागृति लाने देश के अलग अलग क्षेत्रों में सभा की जा रही है। इसी तारमत्ते में नगर के अंजद रोड स्थित निजी होटल में बैठक का आयोजन किया गया, जहां विश्व मांगल्य सभा के प्राण संगठन मंत्री और पूर्व आईएएस ने बताया कि 1989 से नागपुर मुख्य कार्यालय से विश्व मंगल कामना को लेकर विश्व मांगल्य सभा का गठन किया गया था, जिसका उद्देश्य हमारे सनातन धर्म, संस्कृति और देशभक्ति के लिए महिलाओं का सशक्तिकरण करना है। वहीं आज बड़वानी में मातृशक्तियों की बैठक का आयोजन निजी होटल में किया गया, जहां महिलाओं से अपने बच्चों को आधुनिकता के जमाने में संस्कार और संस्कृति की राह पर चलना सिखाने की अपील की गई। इस दौरान मातृशक्ति राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी की धर्मपत्नी और लोकसभा सांसद गजेंद्र सिंह पटेल की धर्मपत्नी भी बैठक में उपस्थित रही। प्राइम न्यूज 24 के लिए रफीक खान की रिपोर्ट। मैं पूजा पाठक, विश्व मांगल्य सभा की मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ प्रांत संगठन मंत्री, आज यहाँ बड़वानी में बैठक लेने के लिए आए हैं। विश्व मांगल्य सभा ये पूरे भारत में मातृशक्ति के लिए कार्य कर रहा एक जन संगठन है, जिसका मुख्य विषय है एक सक्षम मातृत्व से एक अच्छे नेतृत्व की तरफ देश को ले जाना, क्योंकि माँ ही हर घर में संस्कारों की, परंपराओं की नींव रखती है। उन्हीं के माध्यम से आज इस बैठक का आयोजन किया था और इस बैठक के ही आगे का प्रयोजन यह होगा कि इस क्षेत्र में हम सभी लोक प्रतिनिधि परिवार की जो महिलाएं हैं उनका एक कार्यक्रम जल्द से जल्द आयोजित करें। अमोर 94 बैच आईएएस ऑफिसर और वर्तमान में रतलाम झाबुआ अलीराजपुर के सांसद की धर्मपत्नी हूँ। बड़वानी खरगोन की समस्त जनता को मेरी तरफ से हार्दिक अभिनंदन, नमस्कार, शुभकामनाएं। और आज हम बड़वानी में आए इसलिए थे कि विश्व मांगल्य सभा, जिसका नागपुर हेडक्वार्टर है और 1989 से विश्व के मंगल के लिए काम कर रहा है, और उसका मुख्य उद्देश्य है कि हमारे देश का, हमारा सनातन धर्म, हमारी संस्कृति और हमारे देशभक्ति के बारे में हर परिवार को जानकारी हो। एक अच्छी माँ कैसे बने, एक अच्छी माँ कैसे परिवार के अच्छी संतति का निर्माण कर सकती है, इस भावना को ध्यान में रखते हुए आज हमने दोनों सांसद भाभी लोग जो कह रहे हैं, मिसेस पटेल, मिसेस सोलंकी की अध्यक्षता में एक अच्छी सभा यहाँ पर बहनों के साथ में की है, और ये संदेश देने का की कोशिश की है कि आने वाले समय में हम विश्व मांगल्य सभा का एक बड़ा कार्यक्रम बड़वानी में लेंगे, और आगे आने वाले समय में चूंकि नर्मदा जो है पूरे मध्य प्रदेश की जीवन दायिनी है, और उस नर्मदा माँ के लिए एक नर्मदा अष्टक का कार्यक्रम लेना चाहते हैं, वो ऐसा बड़ा कार्यक्रम लेना चाहते हैं कि गिनीज बुक में उसका नाम जाए कि बड़वानी क्षेत्र की बहनों ने नर्मदा अष्टक का इतना बड़ा कार्यक्रम किया। हम चाहते हैं कि हमारी संस्कृति की पहचान हमारे बच्चों तक पहुँचे, हमारे बच्चे हमारे धर्म को, संस्कृति को समझे, अपने देश को, भारत माता को समझे, ये भावना हम देना चाहते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए इस दिशा में सभी बहनें काम करेंगी, ऐसी मेरी सबसे अपेक्षा है। नमस्ते।